अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 8 इज़ अबाउट नेबरिंग रीजन्स ऑफ पाकिस्तान. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द नेबरिंग रीजन्स ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल्सो सी द कंट्रीज ऑफ ईच रीजन. इन दिस चैप्टर वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच रीजन एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इट्स नेबरिंग रीजन्स. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट्स फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन. First long question is discuss Pak-China relations. Its answer is given on page number 67. Before I discuss the Pak-China relation or its reading, I must want to show the map of the neighboring regions of Pakistan. So here is the map of neighboring regions of Pakistan. Light orange color shows China and the purple color shows Central Asia. This light brown color shows South Asia and peach color shows Middle East. Now you can see the map of these regions, and you can also see the countries that lies in these regions. So हमारे आज के क्वेश्चन में आएगा सेंट्रल एशिया का. आप पढ़ोगे तो उसके लिए थोड़ा सा आप सेंट्रल एशिया का मैप देखो तो उसमें कौन से कंट्रीज लाई कर रहे हैं. काजिकिस्तान है, अजबेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, कारगिजिस्तान है. ठीक है, तो ये है सेंट्रल एशिया के कंट्रीज एंड दिस इज साउथ एशिया एंड इट इंक्लूड अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश. And then this is Middle East and it include Saudi Arabia, Iraq, Iran, Syria, Oman, etc. Now we come to our answer. Answer is, the first heading is Pak-China relations. Let's start its reading. Pak-China relations need no introduction. Chinese government and people have always stood with Pakistan at the time of difficulty as well as they have tried their level best to strengthen Pakistan economically and strategically. जब पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन ऐसा है कि ये इसको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने अभी भी अपनी रूटीन लाइफ में देखते हैं कि हम चाइना जो है वो हमारा एक बहुत बड़ा सपोर्टर है जो हमें हर तरीके से हर सिचुएशन में हेल्प आउट करता है. ठीक है, तो अब क्या है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इसी तरह हर डिफिकल्ट सिचुएशन में पाकिस्तान का साथ दिया है. ठीक है, और इसके अलावा वो इस पाकिस्तान को इम्प्रूव करने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए मजीद कोशिशें भी कर रहा है. अभी रिसेंटली जैसे आपने देखा कि कोरोना की वजह से काफ़ी पाकिस्तान की सिचुएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, तो इस सिचुएशन में भी चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया. Various in process power project like Neelam, Jhelum and Chashma are important example in this regard. अच्छा, अब क्या है कि जैसे मैंने अभी थोड़ा जिक्र किया कि पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशन है, एक तो वो किसी इंट्रोडक्शन की उसको ज़रूरत नहीं है, सेकेंडली पाकिस्तान की हमेशा चाइना ने ना हेल्प की है हर तरीके से. तो दूसरे मैंने आपको ये भी बताया कि मज़ीद पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इम्प्रूव करने के लिए, उसकी कंडीशन को और भी इम्प्रूव करने के लिए वो और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रहा है जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी. ठीक है, अब उसमें वो फर्दर बता रहे हैं पावर प्रोजेक्ट लाइक नीलम, झेलम एंड चश्मा, ये जो हैं ये प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं. बेसिकली ये प्रोजेक्ट्स इसलिए हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी आगे फ्यूचर में प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. जैसे आपको पता है हमारे मुल्क में जो है वो बिजली की कमी है, तो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं यहाँ पे इन बड़े बड़े ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और यहाँ पे उन्होंने चाइना ने अपने जो उनके कह लो जो उनके बहुत काबिल इस तरह के लोग हैं जो उनको यहाँ पे भेजा है. ठीक है, जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. बिसाइड दिस डिफेंस प्रोजेक्ट लाइक हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स टेक्सिला पाकिस्तान, एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स कामरा एंड पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वा संजवाल एंड प्रूफ ऑफ दिस एवर लास्टिंग पाक चाइना फ्रेंडशिप. अच्छा, पावर प्रोजेक्ट के अलावा कुछ डिफेंस प्रोजेक्ट की तरफ भी जो है वो चाइना हमारी हेल्प आउट कर रहा है. ठीक है, अब उसमें क्या है, लाइक
हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स है टेक्सला में, ठीक है। इसमें जो है वो बड़ी बड़ी मशीनरी बन रही है। फिर है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स जो कामरा में है, वहाँ पे जो ये जंग में जो जहाज़ यूज़ होते हैं उनके पार्ट्स बनते हैं। फिर है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह एंड संजवाल। संजवाल में जो है, और वहाँ में पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहाँ पे जो है वो असलाह बनता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये प्रूफ करती हैं पाकिस्तान और चाइना के फ्रेंडशिप को। कराकनम हाईवे विच कनेक्ट पाकिस्तान विद वेस्टर्न चाइना एंड सेंट्रल एशिया स्टेट इज ऑल्सो ऑल्सो अ मैग्निफिशेंट एग्जाम्पल ऑफ चाइना चाइनीज स्किल एंड कॉपरेशन। अच्छा, अब हम बात करेंगे कराकनम हाईवे की। सेंट्रल एशिया का जिक्र आया, और सेंट्रल एशिया में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं। काजिकिस्तान आ रहा था, कारगिस्तान आ रहा था, ताजिकिस्तान था, तुर्कमेनिस्तान था और अजबेकिस्तान था, ठीक है। तो कराकरम हाईवे जो है ये बेसिकली कनेक्ट करती है किसको, पाकिस्तान विद वेस्टर्न चाइना, पाकिस्तान और वेस्टर्न चाइना के साथ किसको, सेंट्रल एशियन को, ठीक है। सेंट्रल एशियन में जो भी कंट्री सारे आ रहे हैं उन सबको आपस में कनेक्ट करती है। तो ये भी एक कह लो एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है पाक चाइना फ्रेंडशिप की, ठीक है, और उनके कॉपरेशन की। अच्छा, जैसे हमने देखा कराकरम हाईवे, इसी तरह है पोर्ट ऑफ गवादर, ठीक है। गवादर की पोर्ट जो है वो भी, उसमें भी चाइना ने बहुत कह लो उसमें भी पाकिस्तान का बहुत साथ दिया है और वो पोर्ट बनाई। इन प्रेजेंट टाइम द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान इज नॉट पॉसिबल विदाउट डेवलपिंग द पोर्ट ऑफ गवादर, ठीक है। वो कहते हैं कि आजकल के दौर में जैसे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए जो सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान की जो सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो डेवलपमेंट है वो किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं थी अगर गवादर पोर्ट ना बनाई जाती, ठीक है। बेसिकली गवादर पोर्ट जो है उसका लिंक वो एक तरह से कॉरिडोर का काम करती है। कॉरिडोर इस तरीके से कि आप देखते हो कॉरिडोर में डिफरेंट रूम्स खोलते हैं, ठीक है। जैसे आप स्कूल को भी अपना अगर आप देखो तो कॉरिडोर, और आप उसमें देखोगे साथ साथ क्लासेस है। तो बेसिकली कॉरिडोर क्या है कि वो उन तमाम रूम्स के साथ एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह पोर्ट ऑफ गवादर भी क्या है कि एक कॉरिडोर टाइप काम करती है, और सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो दूसरे सेंट्रल एशिया में कंट्रीज आती हैं उन सब से इसका लिंक हो जाता है। ड्यू टू लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान दिस प्रोजेक्ट वॉज अंडर डिले, बट द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हैज साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ $46 बिलियन ऑन द डिवेलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ जैगेंटिक इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या था कि ये जो प्रोसेस था ना, ये पोर्ट ऑफ गवादर का, ये बहुत अरसे से डिले चलता आ रहा था क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह इतनी बेहतर नहीं थी। तो फिर इस प्रोजेक्ट को चाइना ने जो था वो एक एग्रीमेंट के थ्रू कंप्लीट किया, ठीक है, और इसमें $46 बिलियन जो थे वो इन्वेस्ट किए, और उसके बाद फिर ये प्रोजेक्ट जो था ये कंप्लीट हुआ। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक तरह से कॉरिडोर का काम कर रहा है, तो इस तरीके से ये पोर्ट ऑफ गवादर बनी। नाउ दिस ग्रेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज़ बिकम द लाइफ लाइन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इट्स लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट वुड प्रूव टू बी फ्रूटफुल फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये तमाम चीज़ें जो हमने देखी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो थे, ये जो है वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट है या इकोनॉमी की या इकोनॉमिक की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए एक तरह से लाइफ लाइन का काम करते हैं, जो आगे फ्यूचर में भी हमारी फ्यूचर जनरेशन को मजीद फ़ायदा देंगे, ठीक है। तो ये था पाकिस्तान और चाइना की रिलेशन, जिसमें आपने क्या क्या देखा, उसके पावर प्रोजेक्ट्स देखे, डिफेंस प्रोजेक्ट देखे, फिर उन्होंने हाईवे जो बनाया, कराकरम हाईवे बनाया, पोर्ट ऑफ गवादर में हेल्प आउट की। तो आपने ये तमाम बातें जो हैं ये डिस्कस जो हम कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या है कि ये पाकिस्तान की चाइना से एक अच्छी कह लो कि एक अच्छे ताल्लुकात जो हैं, अच्छे रिलेशंस जो हैं, गुड रिलेशंस हैं उनके साथ। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट आपने हेडिंग देनी है पाक चाइना रिलेशंस।
पाक चाइना रिलेशन नीड नो इंट्रोडक्शन से लेकर थर्ड लाइन तक स्ट्रेटेजिकली तक। फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है पावर प्रोजेक्ट्स, वेरियस इन पावर प्रोसेस पावर प्रोजेक्ट से लेकर रिगार्ड तक। फिर ये बिसाइड दिस आप कट कर दो और यहाँ से हेडिंग देनी है डिफेंस प्रोजेक्ट। डिफेंस प्रोजेक्ट लाइक हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स टेक्सिला, यहाँ से लेकर ये है फ्रेंडशिप तक, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है कराकरम हाईवे, कराकरम हाईवे से लेकर ये पैराग्राफ कंप्लीट कॉपरेशन तक। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आपने हेडिंग देनी है पोर्ट ऑफ गवादर इन प्रेजेंट टाइम द डेवलपमेंट से लेकर ये है कॉरिडोर प्रोजेक्ट तक। उसके बाद आपकी लास्ट हेडिंग होगी लाइफ लाइन। नाउ दिस ग्रेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज़ बिकम द लाइफ लाइन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान से लेकर ये है जनरेशन ऑफ पाकिस्तान तक। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है ये कंप्लीट हो गया है। होपफुली स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।